तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कुछ स्टोरीज की, जो स्टोरीज बाकी स्टोरीज से बिल्कुल अलग है, जिन्हें कुछ लोग फेक मानते हैं और बाकी के सभी लोग सच मान लेते हैं। तो आओ यार, बिन बुलाए किसी के नाक में उंगली डालना बंद कर दो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। अब तुम मानो या ना मानो, भूतिया कहानियां हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है, फिर हम उन्हें देखने के लिए पागल हो जाते हैं। ऐसा ही एक मोटा पागल यूट्यूबर है जो अजीब अजीब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर फालतू के स्टोरीज बनाता है, सॉरी लोगों का ध्यान अपने और जबरदस्ती खिंचवाता है। और कुछ भी हो, इस मोटे ने वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है। बस हम ही वर्ल्ड का एक फेमस यूट्यूबर रह गए हैं जो 2 इयर्स के मेहनत के बाद 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है। चलो कोई नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम फ्यूचर में जरूर सब्सक्राइब कर दोगे, राइट। मेन बात तो यह है कि अब तो बिल्ली भी लोगों का डेथ डेट बताने लग गई है। तो आज मैं आप लोग को एक बिल्ली के बारे में बताऊंगा जो बताती है कि किसकी अगली मौत आने वाली है। तो ये बिल्ली का नाम है ऑस्कर द कैट। कहते हैं 2006 में एक डॉक्टर को मिली थी और डॉक्टर इस पे रिसर्च कर रहा था, तो मालूम पड़ा कि इसके पास कुछ सुपर पावर्स है। हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर भी तेरे जैसा पागल है जो ऐसा बोल रहा है। कहते थे वो जिसके पास भी नजदीक चले जाती थी और उसको प्यार करने लगती थी, 1 या 2 दिन के अंदर ही वो मर जाता था और इसको मालूम पड़ जाता था फ्यूचर में ये मरने वाला है। ये 2016 में इतनी फेमस हो गई थी कि लोग लाइन लगा के खड़े होते थे सिर्फ पूछने के लिए कि लोग मरने वाले हैं कि नहीं मरने वाले। तो बिल्ली ने जितनी भी प्रेडिक्शंस की सब के सब सच निकली है। आज ये बिल्ली किधर है किसी को भी नहीं मालूम, शायद मर गई है या इन्होंने छुपा के रखी है, लेकिन ये सच है। ओह बुतनी के, कैट तो मेरे घर पर भी है तो क्यों नहीं बताती? सॉरी, कैट तो नहीं बोल पाती है, बस करती है। तो ये कैट कैसे बोलने लग गई? तो अब तुम ये बताओ कि तुमने कभी एलियंस को देखा है या फील किया है, या तुम एलियंस को मानते हो? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मलेशियन एयरलाइंस गायब हुई थी, क्या वो एलियंस ने उठाए थे। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारे न्यू जनरेशन की कि मलेशियन एयरलाइंस गायब किधर हो गई थी हमारे इतने टेक्नोलॉजीज के बाद। कहते हैं कि जो टाइम पे मलेशियन एयरलाइंस गायब हुई थी वही टाइम पे एक आदमी को कोड आया था, वो कोड को जैसे ही क्रैक किया तो उस पे लिखा था कि ये इंसान नहीं बल्कि एलियंस हमें गायब कर रहे हैं, और वो 100% मलेशियन एयरलाइंस से आया था। जब भी उसने ट्वीट डाल दिया था ये चीज का, कहते कि उसके घर के बाहर ऐसे लोग आ गए थे जो इंसान नहीं दिख रहे थे। वो कहता था जब भी वो किधर भी जाता था वो लोग उसको फॉलो करते थे और लोग एक्चुअल में मेन इन ब्लैक थे। उसने वो सब रिसर्च बंद कर दिया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लग रही थी और लोग ने ऐसा कुछ बोल के भी गए थे उसको, जिसकी वजह से उसने बंद किया है। क्या सही में मलेशियन एयरलाइंस को एलियंस ने गायब किया? आपको क्या लगता है? अब एलियंस के अंदर भी सुपर पावर्स है जो अपने प्लेनेट में एयरपोर्ट नहीं है सोचकर हमारे अर्थ से चोरी करने लग गई है। ये सुनने के बाद तो मैं सोच में पड़ गया कि एयरपोर्ट कैसे गायब हो सकता है। हां मानता हूं 32 इयर्स तक एक प्लेन गायब हुआ था और बाद में आया भी था। अगर तुम्हें इसका मिस्टीरियस स्टोरी चाहिए तो जरूर बताना। नहीं, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम बस वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं कर रहे। चलो बाय, मैं जा रहा हूँ पास्ट में। नहीं, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, मेरे को पास्ट में ही जाना पड़ेगा, मैं पास्ट में जा रहा हूँ। हाँ, ये सब सपना था, ये सब सपना था। अच्छा है, ये सब सपना ही था। थैंक गॉड, ये तो सपना था। मैं क्या सही में पास्ट में आ गया हूँ? क्या ये दुनिया का अंत है? अगर तुझ जैसा मोटा इंसान ऐसे रन करेगा तो दुनिया में अर्थक्वेक आने का चांसेस होगा, बट अंत नहीं होगा, ये तू अपने माइंड में ले ले। ऐसे घूर रहा है जैसे, मान लो गाइस अभी मेरे को बहुत जोर से टट्टी आई है, मुझे जाने दो, बाय, मैं जा रहा हूँ टट्टी करने। तो अभी टट्टी करके बहुत सुकून मिला है, चलो एक फोन करता हूँ। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? फोन भी बंद हो गया है, सब मर तो नहीं गए, मैं अकेला तो नहीं रह गया ये दुनिया में? एक मिनट, अगर ये अकेला है तो अभी मैं कौन हूँ? मैं बाहर जाके देखता हूँ। हेलो, कोई है? कोई है क्यों नहीं यार मेरे घर में? सब गायब तो नहीं हो गए? ये क्या हो गया है यार? दरवाजा खोल बोसरी के, मैं फ्यूचर से आया हूँ। कौन है? गाइस 3 साल बाद 2025 में दुनिया का अंत होने वाली है, तब तक मरने से पहले अपने भाई अमित को थोड़ा सा सपोर्ट करके जाना, क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगा बट तुम्हारा भाई खत्म नहीं होने वाला मेरी जान। अभी कुछ दिन पहले मैंने अमेज़न से एक बड़ा सा प्रोडक्ट खरीदा था, बट मुझे नहीं पता था कि उस प्रोडक्ट में अमेज़न किलर है। खैर बाद में मेरे माइंड में ऐसा लगा था कि जैसे मैं खतरे में हूँ, तो मैंने उस प्रोडक्ट को हमारे यूट्यूबर फुरकान को दे दिया था।
तो बाद में मोटे ने कौन से रीजन की वजह से ये वीडियो बनाया होगा जरा देखो। तो आज मैं आप लोग को Amazon किलर के बारे में बताऊंगा, जो Amazon से प्रोडक्ट बाय करके लोगों को मारता था। तो ये रीसेंट की बात है, ये किलर का नाम Amazon किलर कर दिया गया था क्योंकि वो Amazon से चीजें लेता था, लोगों को मारता था और फिर उस पर रिव्यू लिखता था। वो एरिया में बहुत जन गायब होने लगे और ये जैसे ही रिव्यू लिखता था लोगों को लगा ये मजाक करता था, क्योंकि ये लिखता था इससे मारने इजी होता है, ये हथौड़ी से मारने बहुत तकलीफ होती है, ये मत खरीदो, ये लो, ऐसा सब रिव्यूज लिखता था। एक दिन एक आदमी ने उसको पूछा कि ये हथौड़ी अच्छी है, तो बोला हाँ बहुत अच्छी है, बल्कि मैंने दो जन को इससे मार के मेरे कंपार्टमेंट में रखा हो जो मेरे घर के नीचे है। उसने पुलिस को बताया, जैसे पुलिस उसके घर पे चले गए उसने देखी सही में उन लोग वापर ही, और जितने भी लोग गायब हुए थे एरिया में से वो एक्चुअली इसने रखा था। उसको कोर्ट में लेके गए, उसने बताया कि हाँ ये सब मैंने किया, उसको फांसी दे दी गई थी, लेकिन इसका नाम रख दिए थे द Amazon किलर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप आईने के अंदर की दुनिया में कैसे जा सकते हो, और ये इतना इजी है कि हर कोई जा सकता है, बट मैं अभी तक नहीं जा पाया, पर ज्यादा आईने टूट गए हैं और बाद में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वाह क्या सीन है। और मेरे घर वाले मेरा हाल कुछ ऐसा करते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज करिए जो ये मोटा बता रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आईने की दुनिया मतलब मेरा डायमेंशन में कैसे जा सकते हो। देखिए आईने की दुनिया में जाना बहुत इजी है और आप कोई भी टाइम पे जा सकते हैं, मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग को ना एक मिरर के सामने खड़े रहना है जिसमें आपकी फुल बॉडी दिख रही होगी, आपके फेस पे एक ना ड्रॉ करना है पिक्चर, फिर वही पिक्चर को आपको इरेज करना है आपके हाथ के साथ और आप वो मिरर डायमेंशन मतलब आईने की दुनिया में जा सकते हो। कहते हैं कि जैसे ही आप चले जाएंगे आईने की दुनिया में आपके साथ बहुत चीजें अच्छी भी हो सकती है लेकिन बहुत चीजें बुरी भी हो सकती है। कहते हैं कि जब आप आईने की दुनिया में चले जाएंगे तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके साथ अच्छी चीज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी चीज हो रही है तो हमेशा हमेशा के लिए बुरी चीज होगी और भूत आपके पीछे पड़ जाएगी। तो मैं और आगे नहीं ये बढ़ना चाहूंगा क्योंकि वैसे भी मैं पागल हो गया हूँ इस मोटे का वीडियोस देख के, पर लोगों को क्या मजा आता है इस मोटे का वीडियोस देख के सिवाय मुझे छोड़ के। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसके साथ अनुलोम विलोम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ आईने के दुनिया में और दूसरा आईने तुरबाने में। बाय।